बात करेंगे कि किसी भी सॉलिड में कितने तरह के डिफेक्ट्स, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। जब डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमेशा हम बात करते हैं जब भी डिफेक्ट्स की तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफेक्ट की बात करते हैं। ये हमारे दो तरह के, एक होता है स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और दूसरा नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होता है स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट? स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट उन डिफेक्ट्स को कहते हैं जिनकी स्टाइकियोमेट्री चेंज ना हो, उन्हें हम कहेंगे स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट उन्हें कहेंगे जिनकी स्टाइकियोमेट्री चेंज हो। स्टाइकियोमेट्री चेंज होने का मतलब होता है प्रोपोर्शंस का चेंज। ऐसे मान लो इसमें जितने भी आयंस होंगे वो सेम बने रहेंगे, जबकि इसमें जो आयंस होंगे वो लगातार चेंज होते रहेंगे। फिर अगर हम बात करें स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे होते हैं चार तरह के। मेनली कितने तरह के होते हैं? चार तरह। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं हमारे स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे होते हैं? जैसे सबसे पहला डिफेक्ट है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल दूसरा होता है वैकेंसी डिफेक्ट। तीसरा होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट और चौथा होता है हमारा शॉटकी डिफेक्ट। चार तरह के डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? हमें पहला पढ़ना है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, दूसरा पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट, तीसरा पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट और चौथा पढ़ना है शॉटकी डिफेक्ट। एक एक करके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। आपको नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बता दूं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं हमारे, ये भी दो तरह के होते हैं। होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है हमारा बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये क्या होते हैं, इनकी बात हम करेंगे। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं एक एक करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे डिफेक्ट्स आपको याद। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले डिफेक्ट से जिसका नाम है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। आइए देखते हैं कौन होते हैं हमारे इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट हमारे होते हैं जिनका, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ आयंस थे, आयंस यहां पर मेनली बात नहीं होती है, नॉन आयनिक डिफेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इंटरस्टीशियल वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक डिफेक्ट्स के आते हैं। मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टल था ए बी का, ए बी ए बी ऐसे मैंने बना दिया, इस तरह से मैंने बोला। अब क्या बताया जाएगा हमको? हमको बताया जाएगा कि बाहर से कोई क्रिस्टल, कोई एटम आता है, बाहर से कोई एटम ए आएगा और वो जाकर के कोई इंटरस्टीशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। बाहर से कोई एटम ए या बी कोई भी आएगा और जाकर के कौन साइट ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा। अगर इफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल, दिस डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। दिस इज टाइप ऑफ नॉन आयनिक डिफेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिफेक्ट, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी ऑफ दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ड्यू टू दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस। क्रिस्टल, जो किसी भी क्रिस्टल होगा, कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी इस डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि बाहर से कोई मास आया, और जब भी कोई मास आता है तो हम सब जानते हैं मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है,
ये था हमारा छोटा सा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, आपको बस एक बार देखना आपको याद हो जाएगा। दूसरा डिफेक्ट है हमारा वैकेंसी। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? सेम इसी तरह का है, आपके पास कोई क्रिस्टल था, तो क्रिस्टल लैटिस है ए बी ए बी ए बी ए। हुआ क्या इसमें कोई भी एटम मान लो बी यहां से निकल गया, बी जो यहां पहले से था वो यहां से निकल गया बाहर चला गया। अब क्या हो गया, इसकी जगह क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी। मान लो कोई क्लास चल रही है, कोई उठा और बाहर चला गया। जब कोई उठा और बाहर चला गया तो उसकी जगह क्या हो जाएगी? खाली बच जाएगी। उस डिफेक्ट को अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, बिकॉज ड्यू टू दिस डिफेक्ट वैकेंसी इज क्रिएटेड। सो दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज एटम मॉलिक्यूल्स ऑन आयन। लिखना क्या है, इफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑन आयन गेट आउट फ्रॉम द क्रिस्टल, बाहर चले जाए किसी क्रिस्टल से, then the vacancy is created at this side and due to this defect density of the crystal क्या होगी? मास बाहर जा रहा है, density of the crystal decreases, इस defect की वजह से density क्या हो जाती है? घट जाए। हमने दो defects अपने पढ़े, एक interstitial और दूसरा vacancy। दोनों defect non-anic defect के अंतर्गत आते हैं। इंटरस्टिशियल में बाहर से कोई आएगा और अंदर जाकर के किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्रिस्टल की बढ़ जाएगी। और वैकेंसी डिफेक्ट भी कोई बाहर से आएगा और कोई बाहर चला जाएगा और उसकी वजह से उसकी जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इस डिफेक्ट को अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है क्रिस्टल की? घट जाया करती है। ये बहुत छोटे छोटे नॉर्मल से आसान से डिफेक्ट है। अगला डिफेक्ट जो है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आया है, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको बच्चों को मैं बहुत गौर से पढ़ाता हूं, देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? ये आयनिक डिफेक्ट है, फ्रैंकल और सॉर्ट के दोनों आयनिक। फ्रैंकल को ऐसे समझो फ्रैंक टाइप का, मतलब पागल टाइप का, ऐसे आ जाता पागल टाइप का। होगा क्या, मान लो इसके अंदर कैटायंस थे और एनायंस थे, एनायंस थे। हुआ क्या, कोई एनायन अपनी जगह को छोड़ा और आ करके वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले। जब वो अपनी जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी, क्योंकि अपनी जगह को उसने छोड़ दिया और कहां आ गया? इंटरस्टिशियल साइट्स को उसने ऑक्यूपाई कर। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब क्या होता है बच्चों? दो लोगों के बीच की जो जगह होती है उसको अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। जब दो लोगों के बीच में कोई आएगा उसको अपन कहेंगे इंटरस्टिशियल साइट कहेंगे उसको। ये देखो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर क्या हुआ, जैसे मान लो कोई क्लास चल रही थी, नॉर्मल समझाता हूं, कोई मान लो क्लास चल रही थी, कोई उठा और आकर के अपने दोस्त के पास चला गया जहां पर बीचों बीच कोई बैठा नहीं था, बीच में घुस गया, दो लोगों के बीच में थोड़ी जगह थी, कहा भैया मुझे ये बैठा रहा। दो लोगों के बीच की जगह जगह होती है उसको कहते हैं इंटर, जैसे मान लो ये मार्कर मेरे बीचों बीच है तो इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स, इसको आकर के ऑक्यूपाई कर ले। तो उसकी वजह से अपनी जगह को छोड़ करके आया तो वहां क्या क्रिएट हुई? वैकेंसी। और जब बीच में घुसा तो इसकी वजह से क्या हुआ? इंटरस्टिशियल। तो एक ही डिफेक्ट में दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिले, बहुत ध्यान से, एक ही फ्रैंकल डिफेक्ट में दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिले। वैकेंसी बिकॉज Usually cations are dislocated from its normal site, original site to interstitial site. क्या लिखेंगे? Usually cation are dislocated from the normal site to interstitial site and due to this defect create a vacancy and interstitial both. And this defect is known as Frankel defect. And this defect is also known as defect. तो एक नाम से और जानते हैं, इस defect को एक नाम से और जानते हैं, कहते हैं डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। इसको डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी साइट को छोड़कर क्या रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है अपनी साइट को। इस वजह से इस डिफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? डीलोकलाइजेशन डिफेक्ट। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हमारा AGBR। कई बार इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा कौन सा? AGBR डिफेक्ट।
फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। समझ आई? नॉर्मल साइड पे छोड़ेगा, इंटरस्टिशियल साइड पर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी और यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया। इस डिफेक्ट को अपन डिलोकलाइजेशन डिफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल है एनजीपीआर। अब समझो एक बात होगा, इस डिफेक्ट में कैटायन ही क्यों आता है, एनायन क्यों नहीं आता? आपने पिछले साल क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा होगा पीरियोडिक, उसमें आपने जाना होगा जब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है तो साइज क्या होती है, घटती है। होता क्या है, कैटायन यूजुअली स्मॉल साइज के, कैटायन छोटे मतलब मान लो कोई मोटा आदमी उठ करके बीच में घुसने कोशिश करेगा, बैठा पाओगे, बैठा ही नहीं पाओगे, जगह ही नहीं रहेगी, या तो तुम उठ के चले जाओ, ऐसा हो तो करना नहीं है। तो हमें क्या करना, यूजली कैटायन छोटा पतला साथ में आएगा, वो बीच में घुसेगा। तो इस डिफेक्ट में यूजली कैटायन साइज जाता है क्योंकि ये साइज में छोटा, क्योंकि साइज में ये छोटा। और हमारा इसमें डेंसिटी सेम रहेगी, याद रखना फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया। और आपका लास्ट है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, शॉटकी डिफेक्ट में जैसे मान लो बस कैटायन एनायन कैटायन हुआ क्या, कैटायन और एनायन दोनों बाहर चले जाए। देखो यहां पर कहीं पर भी स्टाइकियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है, कैटायन जितना बाहर गया उतना ही एनायन भी बाहर गया। इसका मतलब यह है जितने कैटायन उतने एनायन बाहर चले जाए, अगर एक कैटायन एक एनायन बाहर चला गया, इसको मैं ऐसा बताता हूँ बच्चों को, सटकीला टाइप है, सटकीला सटक गया है, कैटायन और एनायन क्या होगा, बाहर चले गए। जब यहाँ पर कैटायन एनायन बाहर चले गए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो भी बरकरार है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पर क्या आ गई वैकेंसी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ वैकेंसी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पे इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। शॉटकी डिफेक्ट से क्या क्रिएट होती है बच्चों, वैकेंसी क्रिएट होती है, और इस डिफेक्ट को अपन कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, इस डिफेक्ट को अपन कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट, बिकॉज ड्यू टू दिस डिफेक्ट वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड कैटायन एंड बोथ आर मूव फ्रॉम दिस क्रिस्टल। अगर दोनों इस क्रिस्टल से बाहर चले जाए इसे हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। समझ में आई, ये हमारा छोटा सा डिफेक्ट था शॉर्ट के। इसमें डेंसिटी क्या होगी, इसमें भी डेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि बाहर चल रहा है, डेंसिटी क्या होता है कि डिक्रीज होता है। इसका भी एग्जांपल है AGBR, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है AGBR। AGBR फ्रैंकल भी शो करता है और शॉर्ट की भी शो करता है। AGBR डिफेक्ट क्या शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है। बात याद रखिएगा, एक डिफेक्ट जैसे मैंने कहा था आपको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बता सकता हूं। इसी तरह का एक डिफेक्ट और है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मान लो कि क्रिस्टल था हमारे पास PBO का या PBS का, मान लो कुछ भी, मान लो कोई भी क्रिस्टल हो, PB2+S2- ऐसा कोई क्रिस्टल, अब क्या हुआ, या इस जगह मैं कोई और छोटा एग्जांपल दूं, आसान से एग्जांपल देता हूं, PBS वाला छोटे में AGBR ये और अच्छा रहेगा जो आपके इंसेंटिव में लिखा है AGBR का कोई क्रिस्टल, मान लो ऐसा कोई क्रिस्टल। अब हुआ कैसे, हुआ ये कि जैसे मान लो आप कोई कंपनी चला रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो, कंपनी आपकी घाटे में,
जब घाटे में जा रही है, इस समय आप देख पा रहे हो कोरोना काल में लोगों की कंपनियां घाटे में जा रही हैं, काम कम हो रहा है। अब आपको पहले कर्मचारी चाहिए थे, पहले आपको लोग चाहिए थे काम करने के लिए 20, अब 10 ही लोग काम कर ले रहे हैं, 10 लोग का कोई खास जरूरत है नहीं, अगर 10 लोग भी रहेंगे तो काम हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, यार मैं ऐसा करूँ कि मैं इन लोगों को निकाल दूं और कोई ऐसे आदमी लेकर के आऊं जो अकेले दो दो काम कर सके। तो क्या हो जाएगा, आपको एक ही सैलरी तो एक ही आदमी को देनी है और वो अकेले दो काम कर ले रहा है। वही चीज यहां पर भी होती है। होता क्या है कि हमने क्या कर दिया, दो एजी प्लस को बाहर, दो एजी प्लस को बाहर कर दिया, मतलब 2+ बाहर चलेगा, दो एजी प्लस बाहर चलेगा, मतलब कैटाइन कितना बाहर चला गया, 2 बाहर। अब क्या हुआ, इसकी जगह तो खाली हो गई, अब आपको इसकी जगह तो भरना है, कोई काम तो करना ही है, तो इसकी जगह तुमने ऐड कर दिया इसके अंदर PV+2, मान लो PV+2 ऐड कर दिया। क्या करेंगे, ये 2+ बाहर गए, एक आइटम एक ही ऐड हुआ लेकिन उसके पास अकेले 2+ का चार्ज था, मतलब लेटरल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई क्योंकि 2+ बाहर गए और अकेले एक आदमी एंटर मारा, लेकिन ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है। इस फैमिली का मेंबर ना होने पर से ये क्या कहलाता है, इसके लिए इम्प्योरिटी कहलाता। अगर यही किसी का कोई और होता, कोई एजी प्लस के प्लस 2 और प्लस 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। आयरन के केस में आप कर सकते हो, आयरन का केस जब भी आता है तो आयरन में भी यही होगा, लेकिन वो मेंटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में अपन पड़ेंगे। उसमें क्या होता है, 2+ को बाहर करते हैं, 3+ को अंदर करते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एजी के 2 एटम्स को बाहर कर दिया, मतलब 2+ की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। अब आपने क्या किया, एक PV+2 को अंदर कर दिया। जैसे आपने एक PV+2 को अंदर किया तो हुआ क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई लेकिन एक जगह खाली रह गई, और ये इन लोगों के लिए इम्प्योरिटी की तरह काम करता है क्योंकि इन लोगों के लिए फैमिली का नया मेंबर है। इस वजह से इस डिफेक्ट को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझिए, फिर समझिएगा, 2+ को बाहर किया, 2+ बाहर हो गया, 2+ की कमी आ गई, दोनों जगह वैकेंट हो गई, दोनों जगह क्या हो गई, वैकेंट हो गई, दोनों जगह क्या हो गई, वैकेंट हो गई, और इस वैकेंट जगह को आपने एक PV+2 ऐड कर दिया, इस पर एक PV+2 का मेंटेन कर दिया लेकिन एक जगह भी खाली हो गई, और इस वजह से यहां पर एक इम्प्योरिटी ऐड हो गई, इसलिए इस इफेक्ट को अपन लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्योरिटी इफेक्ट। बात समझ में आई, मैंने आपको क्या क्या डिफेक्ट पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला डिफेक्ट आपको बताया था मैंने, वो था हमारा इंटर, वो था हमारा सबसे पहला इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हुआ, कोई उठा और बीच में आकर जगह पर बैठ गया। दूसरा वैकेंसी, उठा और बाहर चला गया। तीसरा फ्रैंकल, उठा और बीच में घुस गया। चौथा शॉर्टकी, दो कटाइन उठे बाहर चले गए। और पांचवा इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उम्मीद करता हूं इस 17-18 मिनट की वीडियो में मैंने आपको चार डिफेक्ट पढ़ा दिए। अगली वीडियो में आपको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।